हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको निमोनिया के विषय में कुछ खास बातें बताएंगे। खांसी या सांस लेने में तकलीफ होने पर आपको अगर अपने बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चों को भी निमोनिया की परेशानी है। निमोनिया होने पर बच्चों की सांस या तो तेज़ी से चलती है या फिर सांस लेते वक्त उनका सीना अंदर की ओर धंस रहा होता है। यही निमोनिया के मेन लक्षण हैं। निमोनिया में पसलियाँ तेज़ी से चलती हैं, यह बच्चों को अधिक होता है और एक बार होने के बाद बार बार होने का खतरा अक्सर रहता है। दोस्तों, इसकी चिकित्सा में निमोनिया होने पे 5 बूंद लहसुन का रस 2 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर पिलाना गुणकारी होता है। निमोनिया में तुलसी के 20 हरे पत्ते और 5 काली मिर्च पीस कर गर्म पानी में मिलाकर पिलाने से काफ़ी लाभ होता है। निमोनिया में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। उबले हुए पानी में शहद डालकर रोगी को पिलाते रहने से आंतों पर प्रभाव नहीं पड़ता और इससे रोगी दुर्बल नहीं होता। दोस्तों, हमारा आखिरी नुस्खा है, अगर सीने में घबराहट अधिक हो या कफ बोलता हो तो 6 काली मिर्च और मुनक्का दोनों को पीस कर 2 कप पानी में उबालें। जब यह पानी आधा रह जाए तो इसे दिन में 4 से 5 बार करके थोड़ा थोड़ा करके आप इससे पिएं। इससे आपको निमोनिया में लाभ होगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको निमोनिया के विषय में कुछ खास बातें बताई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, हम जल्दी आपको उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।